नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले, गुड इवनिंग। मेरा नाम मेनका हंडू है। आपकी दिदा अस्वन कशिरजान के तीसरे एपिसोड में मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ेगी एक भाई बहन की जोड़ी। जी हाँ, हैरान होने की जरूरत नहीं, हर एक रिश्ता जो है खून का नहीं होता। कुछ रिश्ते जज्बात के होते हैं, प्यार के होते हैं, एहसास के होते हैं और जमीन से जुड़े होते हैं। आपको बताती चलूं, आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। कितना अच्छा होता अगर हम ये पूरा एपिसोड जो है अपनी मदर टंग कश्मीरी में करते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग जानते हैं कि ये बच्चों का प्रोग्राम है और सारे बच्चे जो है कश्मीरी नहीं जानते, थोड़ा बहुत समझते हैं लेकिन बोलना बहुत ज्यादा नहीं जानते। खैर, हम उम्मीद करते हैं एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम ये पूरा का पूरा एपिसोड कश्मीरी में करेंगे, जहां मेरे साथ साथ जो मेहमान हैं, बच्चे हैं, वो भी कश्मीरी में बात करें। जैसा कि आप जानते हैं, सेशन लाइव है, इसमें एडिट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो किसी भी भूल चूक के लिए पहले ही माफी मांग लेती हूं आपसे। और बिना वक्त जाया किए आपकी ढेर सारे प्यार और तालियों के साथ जो आप घर पर बैठकर बजाएंगे, मैं बुलाना चाहूंगी अपने आज के छोटे से बहुत प्यारे और जहीन मेहमानों को। हमारे साथ जुड़ेंगी अलीम मंजूर कश्मीर से और दिल्ली NCR गाजियाबाद से जुड़ेंगे नमिश कौल। मुझे 5 सेकंड का वक्त दें, मैं इन बच्चों को ऐड करूं। एक सेकंड। हम इन्हें और अब हम बुलाएंगे नमिश को। आदाब आदाब बेटा, कैसे हो? दमासी। आदाब बेटे। हाय। हाय। नमस्ते नमेश। हाय दीदा, कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? ओके। आपको पता है ना आप यहाँ क्यों हो? यस, हमें पता है। ग्रेट। आवाज ठीक आ रही है? यस जी, आवाज ठीक आ रही है। वेरी गुड। चलें, तो ये है हमारे बहुत ही प्यारे भाई बहनों की जोड़ी। मेरे दाहिनी तरफ है नमिश कौल दिल्ली NCR से, मेरी बाहिनी तरफ है अलीम मंजूर जो जुड़ी है हमारे साथ कश्मीर से। ये हमारे ऑनलाइन भाई बहन है और ये इसके पीछे एक लॉजिक है। जो अलीम है उनकी एक बहन है, हमारे एक एपिसोड में भी आई थी, और जो नमिश है उनका भाई है, तो इनको बहन मिल गई और उनको भाई मिल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जान पहचान का मतलब होता है एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के बारे में पता करना। तो हम शुरू करेंगे अलीम के साथ, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगी। ठीक है अलीम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीम मंजूर है, मैं क्लास 13 में हूँ, मैं श्रीनगर से हूँ। मेरी हॉबीज है सिंगिंग, डांसिंग एंड साइकिलिंग। क्या बात है, वेरी नाइस। अब हम बात करेंगे नमिश से। नमिश, हमें थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे बेटा। मेरा नाम नमिश कौल, मुझे स्वरांतर में क्लासेस में, मुझे आर्ट वर्शन, मुझे पसंद करान सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग एंड ड्राइंग। क्या बात है, गाजियाबाद मस रोजान, गाजियाबाद मस चुप से रोजान, क्या बात है, वेरी नाइस। देखिए, इंटरनेशनल मदर टंग मदर लैंग्वेज डे पे नमिश ने हमको अपना इंट्रोडक्शन जो है कश्मीरी में दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। और अलीम ने भी हमें अपने बारे में बताया। अब जैसा कि आपने सुना कि इन बच्चों को, अलीम को जो है सिंगिंग, डांसिंग और साइकिलिंग पसंद है, और नमिश जो है स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं, सिंगिंग भी पसंद करते हैं, तो हम क्यों ना इनसे गाना सुने और एक स्टोरी सुने। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद नमिश। नमिश, आप हमें कोई स्टोरी सुनाइए बेटा।
ओके, आज जो मैं आपको एक स्टोरी बोलने वाला हूँ, वो उससे हमें दो मैसेजेस मिलेंगे। एक पुराने समय में एक राजा ने सोचा कि वो देखे कि उसके शहर में कौन सबसे ज्यादा मेहनती है, और उसने एक प्लान बनाया और उसने एक सड़क पर बड़ा सा पत्थर रखवाया और एक पेड़ के पीछे छुप गया देखने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा मेहनती है। पास से कई लोग गुजरे लेकिन किसी ने भी वो पत्थर नहीं हटाया और उल्टा राजा को ही दोष देने लगे कि कैसा राजा है, सड़क ही साफ नहीं करवाता। लेकिन किसी ने भी पत्थर साइड में नहीं किया और साइड साइड से चले गए। थोड़े समय बाद वहां से एक किसान जा रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी जिसमें बहुत सारी सब्जियां थी। उसने बोला कि ये पत्थर तो सड़क पे है, ये इनसे इससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी जाने में, क्यों ना मैं इसको हटाऊं। उसने कैसे तैसे करके मेहनत करके उसको हटाया। हटाने के बाद उसको नीचे एक छोटा सा बॉक्स मिला जिसमें बहुत सारे गहने रखे थे, बहुत सारा सोना चांदी रखा था, पैसे रखे थे। तब तक राजा आ गया और बोला, मैं देखना चाहता था कि कौन सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। आप आए और आपने इसको साइड में किया तो ये इनाम आपका हुआ। इससे हमें ये मैसेज मिलता है, हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए और हमें आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम कुछ अच्छा खो बैठेंगे। थैंक यू। वेरी नाइस, सच अ नाइस स्टोरी। नमिश अलीम, कैसे लगी बेटा आपको कहानी? अच्छी थी ना? अच्छी। वेरी नाइस, शाबाश। अब हम अलीम पे आते हैं और अलीम चूंकि गाना गाना पसंद करती हैं तो हमें गाना सुनाएंगी। सुनाओ बेटा। हर मुख बर्तन सागरी मतलनु इतक पलंती लागो शेर तप हम गुलाब लागई मदनो इतक पलंती लागो हर मुख बर्तन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छी कहानी सुनी हमने, बहुत अच्छा गाना सुना अलीम से। वेरी नाइस। अच्छा बेटा, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, एक एक करके पूछती हूँ तो मुझे आप बताना, आपका मैं आंसर जानना चाहती हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि नमिश एंड अलीम, मेरे ना हाथ में यहाँ दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप क्या कहोगे मुझे? हम लोग बोले कि बोलेंगे कि आप लोग आप इस लाइव प्रोग्राम के बाद रेस्ट करना। रेस्ट करना। ओके थैंक यू। और मालिश, अलीम, ट्यूब से मालिश। ट्यूब से मालिश करना। अच्छा ठीक, मतलब अगर मेरे को दर्द है तो आप मुझे कहोगे, अलीम मुझे कहेगी ट्यूब से बाद में मालिश कर लेना हाथ में, और नमिश जो है वो मुझे कह रहे हैं कि आप जब लाइव खत्म हो जाएगा दीदार तो आप रेस्ट कर लेना, है ना? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई हमें अपनी परेशानी के बारे में बताता है तो उसको हम थोड़ा सल्यूशन देते हैं, है ना? उसको बताते हैं कि आप क्या करो, उससे आपको अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा आराम आएगा, है ना? इसी तरह अगर कोई भी आपको अपनी परेशानी के बारे में, लाइफ में कभी आपको अपनी परेशानी के बारे में बताए तो आपको उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताना होता, है ना? आपको कोशिश करनी जी होती है आप उसकी प्रॉब्लम सुनो, उसको समझो और उसको कुछ ऐसा बोलो जिससे उनको अच्छा लगे, है ना? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, ओके करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अब नमिश जो है, नमिश कभी कश्मीर नहीं गए ना बेटा? नो नो ना। अब बट नमिश वॉन्ट्स टू सी स्नो, आई नो इट, है ना? नमिश चाहते हैं कि मैं स्नो देखूं। अब अलीम तो कश्मीर में रहती है ना? अलीम तो हर साल स्नो देखती है। तो अगर नमिश ने अलीम को बताया कि अलीम दीदी मैंने स्नो नहीं देखी, तो मैंने कभी स्नो नहीं देखी, तो अलीम उसका मजाक थोड़ी उड़ाएगी, नहीं ना? नहीं, मजाक नहीं उड़ाएगी। अलीम क्या बोलोगी आप? कोशिश करूंगी।
हाँ, आप कोशिश करोगे कि वो नेक्स्ट टाइम वहां आए, आप ये भी बोलोगे कोई बात नहीं, जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ आना, सर्दियों में यहाँ पे स्नो है, आप स्नो देखोगे, है ना? करेंगे यहाँ पे, फिर क्या बेटा? हम लोग मजे करेंगे और फिर आपको भी लाएंगे और आपको हर्षा खिलाएंगे। फिर मजे करोगे, मुझे भी बुलाओगे और हर्षा खिलाओगे। नाइस, दैट साउंड्स लाइक अ पार्टी, वेरी नाइस। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब कोई अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है तो हम उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, ठीक है? और उसको ये कोशिश करते हैं कि उसको ऐसा कुछ बताएं जिससे उसका अच्छा लगे या उसकी जो प्रॉब्लम है उसका हल निकल आए। ठीक जी। गुड गुड किड्स, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। अच्छा बेटा, आप लोगों को मालूम है आप दोनों बच्चे असली कश्मीरी हो, आपको जी पता है ना ये बात? यस नमिश जो है वो कश्मीरी पंडित है और जो अलीम है हमारी वो कश्मीरी मुस्लिम है ना? तो अब हम सबका जो प्रेयर करने का तरीका है वो अलग है, लेकिन फिर भी हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, है ना? और यहाँ तो हम ब्रदर सिस्टर बन गए, है ना? हम तो जी ऑनलाइन ब्रदर सिस्टर भी बन गए, कितने मजे की बात है। गुड। अच्छा नमिश, आप के घर में किचन है, उसमें बर्तन होंगे ना? यस बर्तन तो किस तरह के बर्तन है, क्या क्या देखते हो आप? चम्मच, थाली, मग, कप, है ना? यस जी, है ना? अब अगर मैं आपको बताऊं, अलीम जो हमारी कश्मीर में रहती है, इनके किचन में थोड़े अलग से बर्तन हैं, तो आप देखना चाहोगे? बड़े अच्छे अच्छे बर्तन, अलग से बर्तन, है ना? ठीक यस है अलीम, आप बेटा दिखाओगे हमें थोड़ा सा? जी ऑफ कोर्स। ओके, दिखाओ जरा। वेरी नाइस। यह प्याज और यह काशू, वेरी नाइस। इसमें पापा खाते, ये है काब और ये भी है काब, इसमें भाई पापा खाता है, यह ओके, गेंद इसमें खाती है मम्मा पापा, और ये छोटी गेंद इसमें मैं खाती हूँ पापा, और ये वेरी नाइस। इसको क्या बोलते हैं, गेंद गेंद। क्या बोलते हैं? ओके, वाह, मैंने तो ऐसे वर्धन कभी देखे भी नहीं। तभी तो मैं आपकी जान करवा रही हूँ बेटा। ओके, वो क्या इसमें समावर्त सालन रखते हैं, इसमें सालन रखते हैं, ताशनार। इसमें सालन रखते हैं, वेरी नाइस। ताशनर दिखाओ फिर से, ताशनर दिखाओ। देखो ये नमेश, ये देखो ताशनर दिख रही है, ये जो अभी इसमें बर्तन, बेटा इसे हम लोग दिखाओ। हैंड वॉश करते हैं शादियों पे, जब पप्पा खाते हैं तब यही यूज किया जाता है। वेरी नाइस। आप जरा ताशनर को हाथ लगाओ, ताशनर पे हाथ रखो, ठीक है? नमेश, लुक एट दिस, ये देख रहे हो आप, ये जो बर्तन अभी दिखा रही है अलीम दीदी, इससे क्या, जब शादियों में या खाना खाने से पहले जो है जो साइड में बर्तन है से पानी डालते हैं और ये जो पार्टी जैसी है इसमें हाथ धोते हैं, ठीक है? इसको ताशनर कहते हैं। वेरी नाइस। आप नमेश, आपने ऐसा बहुत कभी? हाँ, ये बहुत अच्छा है। आपने ऐसा देखा था कभी, ऐसे बर्तन देखे थे नमेश? नेवर। नेवर। सी व्हाट अलीम शोड यू, वेरी नाइस। अलीम आ जाओ बेटा, थैंक यू, कम बैक, आ जाओ बेटा। कम बैक, जी वेरी नाइस, थैंक यू। हमको छोटा सा किचन का टूर कराया अभी अलीम ने, और हमने ऐसे बर्तन देखे जो नमिश ने तो पहले कभी देखे भी नहीं थे। ही सेज नेवर, मैंने कभी नहीं देखे, कितने खूबसूरत बर्तन थे ना, वेरी नाइस। ओके गुड। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था, आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है और हमारी मदर टंग क्या है, कश्मीरी, ठीक है? तो पिछले एपिसोड से मैं देखने वालों को से भी कहना चाहूंगी, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया था सिर्फ क्वेश्चन, जिसमें बच्चे मेरे साथ या तो कश्मीरी में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे या मुझे कोई गाना सुनाएंगे या राइम सुनाएंगे या कुछ, लेकिन करेंगे कश्मीरी में, से होगा कुछ नहीं, हम अपनी जबान को इज्जत देने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वो बहुत बहुत हकदार है। और आज तो दिन भी
अपनी मादरी जबान को मनाने का है और उसको इज्जत देने का है ना। तो हम शुरू करते हैं नमिश से। नमिश, मुझे कुछ सुनाओगे कश्मीरी में? यस। का करण था आफ्ताब होए वनन सुमत आप बिल बिस्त्रो बिल शेलाब ते की बटनी जो शाब नंगकुलियन नंगकुलियन पंद्रा हुक्के मत जूचा। वाव, नाइस, वेरी नाइस। स्पॉट की पोएम सुना, राइम सुनाई इन्होंने, वेरी नाइस। अलीम बेटा, आप मुझ मेरे साथ कुछ बात करना चाहोगे या गाना गाना चाहोगे कि क्या? गाना गाना चाहोगी फिर से? वेरी नाइस, ठीक है बेटा, गाना गाओ। परावै पलंगा परावै पलंगा परावै वलो महाराज पलंगा परावै पलंगा परावै महाराज क्या मंगान चांद सुन पोन मंगान सुते अन्ना पलंगा परावै पलंगा परावै वलो महाराज पलंगा परावै पलंगा परावै। वेरी नाइस भाई, सो टैलेंटेड। सिर्फ कर्सर का जो सेगमेंट था आपने वो बहुत अच्छी तरह से निभाया। इन्होंने राइम सुनाई, इन्होंने गाना सुनाया, क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ। इस एपिसोड में जब आप लोग फाइनल लाइव देखते हैं उससे पहले मैं बच्चों के साथ बात करती हूँ अलग से, तो उनको जानने की कोशिश करती हूँ। उस दौरान कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ कुछ बातें बहुत मीठी होती हैं, कुछ कुछ बातें एक बहुत अच्छी याद बन जाती हैं। तो मेरी नमिश से बात हुई थी, मुझे याद है, मैं चाहती हूँ, बड़ी प्यारी इन्होंने मुझसे एक बात पूछी थी और मैं चाहती हूँ आज सुनने वाले भी वो बात सुने जो हमने बिहाइंड द सीन्स बात की थी, बिहाइंड द कैमरा बात की थी। मुझसे नमिश ने पूछा था, दीदा आप मुझे ये बताओ, अगर हम देखिए इनको हंसी आ रही है, अगर हम कश्मीर में पैदा ही नहीं हुए तो हम कॉल कैसे हुए, ठीक है ना, यही पूछा था ना नमिश। और मैंने आपको क्या आंसर किया था, आपको याद है? यस। बताइए जरा। नो, अभी मेरे को आपका वाला याद नहीं है, लेकिन मेरे को अपना वाला याद है। ठीक है, तो मैं जरा सुनने वालों को एक्सप्लेन करूँ ये क्या कह रहे हैं। इसका मैंने इनको जवाब दिया था और ये कह रहे हैं अभी इनको वो याद नहीं, लेकिन यही सवाल जो है इन्होंने अपनी मदर से भी पूछा था और अब हम सुनेंगे इनकी मदर ने इनसे क्या कहा। नमिश सुनाइए बेटा, क्या बोला था मम्मा ने? मम्मा ने बोला था लेकिन हम उनसे ही पैदा हुए हैं तो हम कॉल होंगे ही। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो पैदा हुई है। हाँ, क्योंकि वो तो कश्मीर में पैदा हुई ना, तो आप ऑटोमेटिकली कश्मीरी हो गए, है ना। तो और मैंने आपसे क्या कहा था, कॉल आपका जो है सर नेम है, फैमिली नेम है ना। जैसे मेरा हंडू है, हमारी अलीम का भी एक सर नेम है, तो ये फैमिली नेम होता है, हमें बहुत प्राइड होता है, फील करना चाहिए। और अगर हम वर्ल्ड में किसी भी जगह चले गए तो हमारा फैमिली नेम वही रहता है, ठीक है, चाहे हम वहां पैदा हुए हो या ना हुए हो। तो बड़ी खूबसूरत ऐसी बातें होती रहती है मेरी इन बच्चों से। और आपको बताते चलूं कि मैंने करीब करीब 50 बच्चों से अभी तक बात की है, 49 टू बी प्रिसाइज, और सब बच्चे मुझे कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं, कुछ ऐसी प्यारी बातें कर जाते हैं। और आने वाले एपिसोड्स में मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ वो यादें शेयर करूं जो कहानियां अब यादें बन गई। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा मुझे अभी तक लगा सिर्फ कर्शर वाला सेगमेंट, जिसमें मुझे अलीम ने गाना सुनाया और नमिश ने मुझे जो है एक राइम सुनाई सौंत के बारे में। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। अब हम एक काम करते हैं, अब आप लोगों ने हम चलो नमिश से पूछते हैं। नमिश, आप कुछ दिखाना चाहोगे अलीम को अपने घर में? यस। ओके, जरा दिखाओ क्या दिखाना चाहोगे, क्योंकि अलीम के तो बर्तन हमने देख लिए उसके घर के। ये मेरा बेड है। अरे वाह। और ये मेरा डेस्क टॉय, और ये ऊपर डेस्क में मेरे टॉयज रखे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप, ये आपका रूम है मतलब? यस। वेरी नाइस, आप इसको टॉय रूम कहते हो ना शायद। वेरी नाइस, किड्स रूम।
इतना नीट एंड टाइडी है ये, आपकी मम्मा ने किया है नीट एंड टाइडी, तो नीट एंड टाइडी वाली। और ये बालकनी भी है मेरे पास। ओ बाहर प्लांट्स भी है, वेरी नाइस। अच्छा वेरी नाइस बेटा, थैंक यू, कम बैक। अरीन कैसा लगा आपको नमस्कार रूम? बहुत अच्छा, बहुत। और आपने जैसे देखा इन्होंने वहां पे प्लांट्स उगाए हुए थे, और मेरे पापा कमेंट कर रहे हैं यू हैव अ ब्यूटीफुल बेड, वेरी नाइस। मेरे पापा को आपका रूम बड़ा अच्छा लगा है नमिश, ही इज आल्सो वाचिंग अस राइट नाउ। तो आपने देखा अलीम इन्होंने वहां पे, यू वेलकम, इन्होंने वहां पे थोड़े पौधे उगा रखे थे, प्लांट्स उगा रखे थे, देखे आपने, इन्होंने अपनी बालकनी दिखाई। तो आप लोगों को पता है ना कि हमें जो पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें प्लांट्स उगाने चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, ठीक है। जितना हो सके उतना जो प्लांट्स उगाने नहीं करना चाहिए, वरना हमारे को उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। ओके गुड नाइस। अच्छा मैंने पिछले एक एपिसोड में आप लोगों को बताया था कश्मीरी पंडित हैं, उनका दो दो बर्थडे होते हैं, एक बर्थडे को हम कश्मीरी बर्थडे कहते हैं, याद है आपको, मैं एक एपिसोड में कहा। कोई बात नहीं नमिश, लेकिन हमारे होते हैं कश्मीरी बर्थडे, आपका भी होता होगा कश्मीरी बर्थडे, जिस दिन हम कलर बनाते हैं, येलो राइस बनाते हैं जी। तो आज जो है मेरे पापा का भी कश्मीरी बर्थडे है, ठीक है। तो मैं सुनने वालों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे फादर के लिए उनकी सेहत की, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आज मेरे पापा का कश्मीरी बर्थडे है, तो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। माय फादर सेज माय लव टू बोथ, मेरे पापा ने अभी कमेंट किया है, लॉट्स ऑफ लव, ही इज सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू बोथ आवर डार्लिंग नमिश एंड अलीम, ठीक है। अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब हम हमेशा की तरह थोड़ा एक फेस्टिवल की बात कर लेते हैं या कुछ ट्रेडिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा करें, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद अलीम। अलीम आप कुछ बताना चाहोगे बेटा? किसी भी गर्म कपड़े का बना होता है, फेरन के अंदर हम लोग कांग भी लेते हैं, फेरन लंबा बनाते हैं और लूज बनवाते हैं, अगर हम लोग टाइट बनाएंगे तो हम कांगड़ी नहीं ले पाएंगे। आपने कभी कांगड़ी देखी है? कांगड़ी, कांगड़ी देखी है मैंने। नमिश आपने कांगड़ी देखी है कभी? Do you know what is a कांगड़ी? Yes. Yes. अलीम फायर पॉट। You know फायर पॉट? Yes, फायर पॉट। ये हमारी पर्सनल फायर पॉट हर एक कश्मीरी के पास होती है। वेरी नाइस, ओके बेटा, ठीक है। तो कांगड़ी से हम क्या करते हैं अलीम? गर्मी, अपने आप को गर्म करते हैं। अपने आप को गर्म करते हैं, वेरी राइट, करेक्ट। अपने आप को हम गर्म रखते हैं, इससे कांगड़ी फायर पॉट है, ये हमारा कश्मीरी फायर पॉट है, हर एक के पास अब पर्सनल कांगड़ी होती है। मेरे पास भी एक कांगड़ी है, छोटी सी कांगड़ी, रंग बिरंगी, उसको कहते हैं रोनी कांगर, इतनी छोटी सी कांगड़ी है, मैं कभी खाऊंगी आपसे, ठीक है। ओके, तो आर यू लाइकिंग इट सो फार? अच्छा लग रहा है? तो अब हम अपने नमिश से सुनते हैं कुछ कश्मीरी पंडित फेस्टिवल के बारे में, ठीक है, सुनाओगे नमिश? यस, आज मैं आपको एक सोत के बारे में बोलूंगा। सोत एक कश्मीरी पंडित का फेस्टिवल होता है, जिसमें वो विंटर को बाय बाय कहते हैं और स्प्रिंग का वेलकम करते हैं। इसमें हम उस दिन से एक दिन पहले रात्रि को थाली में कुछ रखते हैं, जिसको हम कहते हैं थाल बरोन। उसमें हम जैसे फूल रखते हैं, अनकुक्ड राइस रखते हैं, भगवान जी की फोटो रखते हैं, वॉलनट्स रखते हैं, पेंस रखते हैं, इंक पॉट रखते हैं, और सुबह उसका दर्शन करते हैं ताकि आने वाला साल अच्छा जाए। और उस दिन जो उस
अनकुक्ड राइस की हम तहरी भी बनाते जो मेरे को बहुत पसंद है। उस दिन लोग हरी पर्वत भी जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू नमिश, अच्छी लगी स्टोरी आपको अली? ये सौंत के बारे में इन्होंने बताया, उससे हम जो है विंटर को बाय बाय करते हैं और स्प्रिंग को वेलकम करते हैं। एक थाली हम सजाते हैं, उसमें कुछ चीजें रखते हैं जैसा नमिश ने बताया, और सुबह उठकर उसके दर्शन करते हैं। ज्यादातर जो घर में एक लड़की होती है, छोटी लड़की, वो उसका दर्शन करवाती है सबको, और जिनको वो दर्शन करवाती है उसके, उसमें वो पैसे डालती है, और वो पैसे जो है फिर उस लड़की के हो जाते हैं। ठीक है, और हम इसमें जो है हम कामना करते हैं कि जो हमारा आगे वाला आने वाला साल हो वो बहुत अच्छा रहे। ठीक है, वेरी नाइस, इसको कहते हैं हम सौंत। वेरी नाइस, गुड। अब बारी है क्विज की, कश्मीरी क्विज। रेडी रेडी, मैं आपको ज्यादा नहीं पूछूंगी, वेरी नाइस, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगी, 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगी और उसमें हम देखते हैं आपको आता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ट्री को क्या बोलते हैं, पेड़ को? कुल कुल वेरी नाइस, वेरी नाइस निमिष। ओके, और वाटर को क्या बोलते हैं? पॉइंट। आ पॉइंट। ओके, मैंने पिछले एक एपिसोड में भी बताया था कश्मीरी पंडित जो है वो वाटर को पॉइंट बोलते हैं, और जो हमारे कश्मीरी मुसलमान है वो आप बोलते हैं, तो आग और पॉइंट दोनों ही करेक्ट है। वेरी नाइस, अच्छा फ्लोर को क्या बोलते हैं? आटे वाला फ्लोर नहीं, जमीन वाला फ्लोर मालूम है? ओके, इट इज कॉल्ड पथुर। ठीक है, बोलो गुरु मेरे मैंने साथ। बोला आपने बोला पत्थर, आपको पता था इसको पत्थर बोलते हैं? वेरी नाइस, वेरी यस। नाइस। ओके, अगर आपने बोला तो बहुत अच्छी बात है। अलीम बेटा, आपको पता था? ऑनेस्ट? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया ना, नीचे जो जमीन फ्लोर होता है उसको बोलते हैं पत्थर। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तक काफी बातें हमने इन दोनों प्यारे बच्चों के साथ की है। सुनने वालों को बताती चलूं कि हमारे ऑनलाइन ब्रदर सिस्टर बन गए हैं। ठीक है, क्योंकि अलीम की एक और सिस्टर है, नमिश का एक और ब्रदर है, इनको ब्रदर मिल गया और इनको मिल गई है सिस्टर। वेरी नाइस, मैं आपको अब मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा ना, मुझे भी तो कोई स्टोरी सुनानी पड़ेगी। मैं आज आपको कुछ बताऊंगी इस बंद के बारे में। सुना है कभी इस बंद? इस बंद सुना है नमिश आपने? मैं आपको बता रही हूँ इस बंद के बारे में, कोई बात नहीं मैं सुनाती हूँ। इस बंद जो है वो एक किस्म का हर्ब है, एरोमेटिक हर्ब है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जैसे जीरे के दाने होते हैं बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन ज्यादातर काले रंग का होता है। तो हम कश्मीरी लोग, पंडित और मुसलमान दोनों, जब हमारे घरों में शादी ब्याह होते हैं या कोई फंक्शंस होते हैं तो हम इसबंद जलाते हैं। जो घर की बड़ी औरत है, मान लीजिए आप किसी की शादी में आए हैं, वो ऐसे थोड़ा सा इसबंद उठाती है, आपके ऐसे कंधे पे रखती है, सर पे लगाती है, उसके बाद कांगड़ी में डाल देती है। ठीक है, और इसके पीछे जो लॉजिक है वो कहते हैं जो इसकी खुशबू होती है इससे जो दिमाग है बहुत ताजा रहता है, और कोई भी जो बुरी नजर या बैड एनर्जीज हैं शादी ब्याह के टाइम पे आ सकती है हमारे आसपास, उससे हमारा बचाव करती है। हम कश्मीर में बोलते हैं इस बंद जले दुश्मन गले। ठीक है, तो जैसे बंद जले दुश्मन गले, इस बंद जले दुश्मन गले, तो ये हम ऐसा करते हैं। और कभी कभी तंज भी करते हैं, अगर कि कोई हमारे घर बहुत दिन तक नहीं आता तो उसे हम कहते हैं चगोसी इस बंद जालून, उसका मतलब है कि तुम हमारे घर क्यों नहीं आते, अब क्या हम इस बंद से आपका वेलकम करें, अब क्या हम इस बंद जलाएं। ठीक है, तो ये जो इस बंद वाला हमारा ट्रेडिशन है बड़े दिनों पर, शादी ब्याह पर, ये पंडितों का और मुसलमानों का एक कॉमन ट्रेडिशन है, ये हम दोनों ही करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की तरफ हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारे नमित, इन्होंने शुरू में ही कहा था इनको गाना गाना पसंद है, तो इन्होंने मुझसे कहा था कि ये इस प्रोग्राम में एक गाना गाएंगे, लेकिन अलीम ने भी मुझसे कुछ कहा था, अलीम ने मुझसे कहा था कि वो
मुझे एक सीक्रेट स्टोरी सुनाने वाली है ना अलीम? तो हम पहले अलीम की स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद हम नमित से गाना सुनेंगे, ओके ठीक है? अपने अपनी YouTube वीडियो में पूरा मैं रहने वाली हूँ, मैं रहने वाली हूँ जी, मैं रहने वाली की हूँ जी हाँ, मनी भी रहने वाली की थी, उनकी एक बेस्ट फ्रेंड डॉली आंटी, इन लोगों ने जब शिफ्ट किया तो ये दोनों एक दूसरे को मिस करते थे। मेरी नानी बोलती थी काश मैं इससे मिल पाऊँ, मेरी नानी के पास उनका नंबर नहीं था। एक बार मेरी नानी को खबर देने गई थी हॉस्पिटल, वहां पे उन्हें अपना इतनी कोई मुस्लिम फ्रेंड मिली, फ्रेंड नहीं देवभी रहने वाली की। उनसे पूछा आपको पता है डॉली आंटी अभी कहाँ है? उन्होंने बोला वो अभी जो हमारी बात होती है आप उसने उनका नंबर दिया और घर पहुंचे पहले फोन किया। फोन पे मेरी नानी ने बोला हेलो, वहां से बोला डॉली आंटी ने कौन? मेरी नानी ने बोला मैं। दोनों रोने लगे। अब हम लोग भी उनके साथ बात करते हैं वीडियो कॉल्स पे, और वो हमें बोलती है आ जाओ आप, जब हम बोलते हैं आ जाओ आप कश्मीर, मगर कहना की वजह से ना तो हम लोग वहां जा पाए ना तो वो यहाँ आ पाए। इस कोरोना ने हमको बहुत परेशान किया है। नमिश ने मुझे कहा था ये कश्मीर जाना था, लेकिन कोरोना जी की वजह से हम लोग सब फंस गए हैं एक जगह पे। एक साल से हम लोग कोई भी कहीं वेकेशन में नहीं गया। बहुत ही खूबसूरत कहानी अलीम बेटा। और अब आप लोग, अब आपकी नानी को अपनी जो कश्मीरी पंडित फ्रेंड है रहना वारी की, वो मिल गई है? अब उनकी बातचीत होती है बात वीडियो कॉल पे? वीडियो कॉल आपने देखा है उनको, आप बात करते हो वीडियो पे? वेरी नाइस, तो गुड, अच्छी बात है। हम दुआ करेंगे करोना जी जो है जो फटाफट जल्दी से चले जाए और आप लोग एक दूसरे के साथ मिल पाए, और हम लोग भी जो है कहीं वेकेशन करें। सब लोग कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, एक जगह अटक गए हैं करोना की वजह से। चलिए, थैंक यू फॉर दैट स्टोरी अलीम। अब हम आते हैं नमिश पे। नमिश, आप हमें कुछ सुनाना चाहते हैं? यस यस, सुनाइए। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश का सभी का है, तू सभी तेरे, खुदा तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश का। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश का सभी का है, तू सभी तेरे खुदा तेरे, तू बख्शीश का। वेरी नाइस, ये एक प्रेयर है। तो जैसे नमिश ने कहा खुदा मेरे तू बख्शीश कर, ओ भगवान खुदा अल्लाह गॉड जिस भी नाम से आप उसको पुकारते हैं, ऐसा हो कि हमारे कश्मीर में खुशहाली लौट आए, अमन लौट आए, बहुत खूबसूरत लौट आए, क्योंकि सभी का है वो और हम है उसके, और वही हमारी हिफाजत करेगा और हमारे कश्मीर की हिफाजत करेगा, हमारी नस्लों की हिफाजत करेगा। आप उनको देख ही सकते हैं सामने, कितने प्यारा कितना रोशन हमारा मुस्तकबिल है, कितना टैलेंटेड है और कितना मोहब्बत से भरा है। इनकी मासूमियत आप देखिए, इनकी मासूमियत से हमको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वक्त आ गया है आपसे बाय बाय कहने का, आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बोलूं कि अगर आप भी चाहते हैं आप बच्चे अस्वन कशुरजान पे शिरकत करें, यहाँ पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो मुझे आपको अपनी डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ ईमेल के जरिए भेजनी होगी info@aswankashur.com पर। मुझे उनका नाम, कौन से ग्रेड में पढ़ते हैं, क्या उनकी हॉबीज है, लोकेशन और एक फोन नंबर जहाँ पर हम उनके साथ राब्ता कर सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। आप दोनों बच्चों का मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, और इन दोनों बच्चों की जो मदर्स हैं उनकी उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने मेरे साथ काफी कोऑपरेट किया है। बच्चे छोटे हैं, इनको ज्यादा समझाना पड़ता है, इनके आसपास रहना पड़ता है, और आप देखने वालों से शुक्रिया करती हूँ कि अभी तक जितना आप हमें प्यार भेजते रहे उसको दुगना तिगना जितना कर सकते हैं करें, हमें प्यार और दुआएं भेजें। इन दो प्यारे बच्चों को अपना प्यार और दुआएं भेजें, और अगर अभी तक अस्तुन कशुर दिदा अपनी दिदा को आपने YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो करें,
हमें फॉलो करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का। असिम बसित लसिम, आपकी अपनी दिल। अस्वन, बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय 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 बाय।